Assalamualaikum, this is me Zara Anman. Welcome to another vlog, welcome to another day. तो अभी बस हम लोग उठे बड़े लेट हैं और हम लोग लेट भी हो रहे हैं. हमने जाना अपनी आर्ट क्लास में, तो वो अभी 12 o'clock शुरू होती है और ये जाना 10 minutes रह गए. ठीक है, और जरीश को मैं उठा रही हूँ, वो उठ ही नहीं रही है. मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर. मैं इसको उठा के आती हूँ, फिर जाएगी ना, जब तक वॉशरूम नहीं जाएगी तब तक मैं भी बाहर नहीं आऊँगी. चलो चलते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए और इसको ये बात समझ नहीं आ रही है. हाँ बेबी ये सो रहा है. ठीक है, जरीश रही है वॉशरूम. बस हम नहीं निकलेंगे, तरबूज पड़ा हुआ वही खा लेंगे, फ्रिज में जो पड़ा हुआ है नहीं तो फिर घर आके खा लेंगे कुछ. चलना चाहिए. तो जी मैं अपनी आर्ट क्लास में आ रही थी. ठीक है, और ये अभी मैंने ये स्टॉप भी कर ली. ठीक है ठीक है, अभी मैं इस पे जो है ना, और ये इसको मैं अभी बनाना साइड पर रखी हूँ. इसको मैं बनाऊँ जो बड़ा वाला इस पे कि मैं ये. ठीक है, और ये मैंने रफ रॉक इसके बाद और अभी यहाँ पर ये सारे काम, अभी सारे काम इस तरह का बनाया. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. एक मैंने भी ये मैंने बनाया. ठीक है, और बनाई थी और अभी तक तो यही है मेरा काम. ठीक है, ऐसे बनाई हूँ मैं. आज मैंने कमिलियन बनाया जो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस की थी, और मैं यहाँ पर बनाऊँगी. तो चलो बस अभी यहाँ से जा रहे हैं. नीचे फातिमा आंटी ने बुलाया. ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना नीचे उनके पास जाते हैं. पूछते हैं वो क्या मैंने कहना है, उसके बाद में लेती थी ये. सो ये देखें, ये है उनका आर्ट. ठीक है, और ये उनकी पेंडिंग है, और ये उन्होंने एक मंगवाया था अपने लिए. तो ये जो है ना, अभी हमारी फातिमा आंटी ने ये हमारे लिए तैयार की, हमारी आर्ट इंस्ट्रक्टर ने. ठीक है, ये रोल्स हैं, ये समोसे हैं, और ये सैंडविचेस हैं, साथ सॉस है, और ये हैं स्टूडेंट्स हमारे. और ये ठीक है, और अभी हम लोग ये खा. तो ये वो छोटा वाला स्टोन है जो मैंने आपको दिखाया था, जिस पर मैं भी करूँगी. तो मुझे कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ इस पर ये डायमंड्स वगैरह ड्रॉ किए. और ये देखिए मेरा कमिलियन था. ठीक है, और बाय तेज धूप एज यूजुअल. तो ये वाला जो है ना, ये मैंने बनाया था. ये बहुत टेक्निक से बनता है. कभी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं अपनी आर्ट क्लासेस ले के सारा कुछ सीखाऊँगी. फिर बस हम लोग जो है ना अभी निकल आए हैं. ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं और बस निकलते हैं घर की तरफ. चलो, बस हम लोग ऊपर आए हैं हैंड वॉश वगैरह, क्योंकि पेंट वगैरह लगा था तो वो उतारे बल्कि लगा हुआ है. तो नीचे जो है ना, अब हम जा रहे हैं. ठीक है, मम्मा बना रही थी कि पराठे बन गए थे, लेकिन अब बता नहीं इसने क्या क्या बना रहा है. सांस पकड़ी क्यों चढ़ गई एकदम. और ये मम्मा ने ये दाल पड़ी हुई है, इसमें राइस है. ठीक है, वो मेरे ख्याल है आलू. ये मम्मा जो है ना बना रही हैं पराठे रोल. ठीक है, अभी मम्मा जब एक बनाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. और ये मम्मा ने डाले हैं मज़ेदार सी फिलिंग इसमें. ठीक है, और ये इसमें जो है ना अभी जा रहा है फिलिंग ये वाली. ठीक है, इसका मम्मा ने इस सॉस का पहले भी जिक्र किया था पिछली वीडियो में, वो मम्मा के चैनल पे है, वो ज़रा आप जाके देखिएगा. ये एक मम्मा की सीक्रेट जो है ना, क्या कहते हैं, है सॉस. तो ये आप लोग जो है ना इसको मम्मा के चैनल पे जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. और ये भी हमारा रैप हो रहा पराठा. बल्कि मम्मा ये हम इधर क्यों दिखा रहे हैं, ये तो हमें आपके आपके चैनल पे नहीं दिखाना चाहिए. Isn't this the part of your video? नहीं, ये मैंने आपके खाने के लिए बनाई है, ये रेसिपी नहीं है. रेसिपी भी कभी शेयर करूँगी. बस आप लोग जाके मम्मा को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फिर आप लोग को एकदम जब ये रेसिपी आए, ये हमारे घर में ये देखें, ये खाने आ गई है. ये ऐसे ही करती है जब भी कोई इस तरह की कोई फीलिंग वगैरह बनी हो ना, बस जाओ ये भी आप नहीं खानी है. सपने मिल के मैं तो नहीं मारती, मैं तो अच्छी बेटी. अभी जो है ना बस हम लोग तैयार होने लगे. हम लोगों ने जाना है कोई वो है लोक विरसा, किधर पता नहीं, इस्लामाबाद के किसी एरिया में. मेरे दिमाग में ऐसे वो जगह स्टार्ट होती है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. खैर अभी जैसे मम्मा बाबा से कन्फर्म करके आप बताती हूँ. लोक विरसा जाना हमने, वहाँ पर कोई है क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, एग्जीबिशन. वहाँ पर जाना है. ठीक है, और
आज उसकी लास्ट डेट थी, मम्मी का चलो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपना ये वाला फ्रॉक पहनूँ। ये वो फ्रॉक है जो मैं शॉपिंग पे गई थी तो लेके आई थी, शॉपिंग वाला जो ब्लॉग है ना वो आप लोग जाके देखें ठीक है, उस पर मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, ये वाला, और ज़रीश ने वो लिया था। हमने कहा था हम ये ईद के लिए रखेंगे लेकिन अभी वो देख रहे हैं पहनने का, चलो ईद तो भी पहन लेंगे अभी पहन लेंगे। हाँ ये इसलिए आप आज हम दोनों ये लॉन्ग फ्रॉक्स पहनेंगे, साथ में इसके ये वाली सैंडल पहनूंगी मैंने निकाली है ठीक है, और ये वाइट इस तरह की वाइट है वो पहनेंगे। खैर हम लोग एकदम से तैयार होते हैं, आओ ट्रांजिशन करें इधर, थ्री नहीं इधर, थ्री टू वन, हाँ ठीक है हम लोग आ गए हैं ठीक है, हम लोगों ने तैयार हो गए हैं ठीक है, हमने ये पहना आज ठीक है, और हम लेट हो गए तो हमें ख्याल है कि फैशन जो हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, हम जाके भी तो हमें चलना चाहिए वरना बाबा ने बड़ी गुस्सा हो जाना, चले चलो बहुत तेज हो रहा है। जगह पे पहुंचे हैं, सबने टिकट्स ले लिए ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना अपनी जगह पे अंदर एंटर कर रहे हैं ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, वो मामा ने मंगवाया था, और ये जो है ना ये है इनकी एंट्रेंस ठीक है, अभी जैसे ही हम अंदर एंटर होंगे हम आप लोग दिखा रहे, तो ये इनकी एंट्रेंस है, एंटर होते साथ ही ये एक पिक्चर है ठीक है, उसके बाद ये टाइमिंग्स वगैरह लगी हुई, आज आखिरी दिन था तो वो हम लोग जो है ना होके तो जा रहे हैं ठीक है, और वो देखें अभी इसके पास भी जाते हैं, और अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे यहाँ क्या क्या है ठीक है, थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो यहाँ पर ये वाला आर्टिसन बाज़ार है ठीक है, और इसके यहाँ पर ये जो है ना जूते वगैरह भी खुद से, और ये कपड़े लगे हुए हैं, ये थोड़ा आर्ट वाट का नहीं, हाँ ये वाह ये कितना प्यारा कबर्ड्स ड्रेसिंग टेबल और ये सारा कुछ जो है ना ये है ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, आर्ट हैंड क्राफ्ट जितना भी था ना उस तरह की कैब हमारे पास भी घर में पड़ी है, दिखाऊँगी मैं आप लोगों को किसी दिन, और ये देखें ये मेरे यहाँ आया इसमें ठीक है, और ये देखें ये सारा अंदर से, और आगे भी ऐसी हैं, ये कुछ पेंटिंग्स हैं, और ये प्लेट्स हैं, ये अंकल जो हैं ये स्केच बना रहे हैं, हम देख के आते हैं कि ये क्या बना रहे हैं, इमरान खान बना रहे हैं, वाह इसी शॉप से निकलते हुए बाहर ही ये लकड़ी का सामान है सारा, और इधर भी इसी तरह की हैंडीक्राफ्ट और सारा कुछ ठीक है, वो जंपिंग कासल ठीक है, और वो पीछे थोड़ी सी राइड्स वगैरह लगी थी बच्चों के लिए, और फिर अंदर मेरा ख्याल है म्यूज़ियम है, लेकिन मेरे ख्याल है म्यूज़ियम की जो टाइमिंग्स है ना वो कम है ठीक है, और बाय ठीक है अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आगे भी इसी तरह की ये देखें चीज़ें हैं ठीक है, वो सिंधी कपड़े मुझे सिंधी के कपड़े कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं कुछ डिज़ाइंस, हाँ और इस हाँ कभी कभी, और ये सॉल्ट वाले सॉल्ट लैम्प्स हाँ वो दिखाते हैं करीब जाके दिखाएंगे, वो वाली बॉल बात कर लीजिए, पीछे एक अंकल जो है ना वो कह रहे थे इमरान खान की ड्राइंग है, हाँ मेरे व्लॉग में लिए देखना जाके, दरीश इस वक्त जो थी ना वो आगे और ये देखें लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं लेके जाते हैं अपनी चीज़ें, और ये जो है ये वॉल ठीक है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, मतलब मेरा भी दिल करता है इस तरह की वॉल से पेंटिंग करने के लिए, ये पकड़ के ऐसे देखें छोटी छोटी चार पाइयाँ, और मम्मा आपकी पंखियाँ
ओहो जायान, ठीक है अभी हम लोग ये इस पे कौन बैठता होगा पता नहीं छोटे छोटे बच्चे पैर धोने के लिए जाने तो खड़े हो टूट जाएगी डिफरेंट मल्टी कलर्स में है और वो देखे बास्केट बैठो देखो बैठते हैं देखते हैं आते हैं आप उस पूरा उसका पाँव आपका पाँव भी नहीं आना उस पर चलो जो है ना ये लाइट्स जो है ना ये ऑन हो रही हैं और ये जो है ना आ गई अब सेटिंग ये क्या है कौमी जुबान है उर्दू के नॉवल लग रहे हैं हाँ देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है ओ ये कोई ये क्या है टेबल्स पेंटिंग ओके इसकी तरफ दिखाओ जरा चेयर अगर ये चेयर थोड़ी सी भी गिरी तो बच्चे का इनकाउंटर हो जाएगा सीधी बात है बदतमीज ये यहाँ पर जो है ना ट्रेज हैं ठीक है और ये खुद ही जो है ना एक्रेलिक से पेंट हुई नहीं है जो है ना अरे कहना क्या चाहते हो कितनी नर्वस लग रही है मामा आप बताएं आप ये ट्रेस ले रही जी ले रही हूँ अच्छा कौन सी वाली ली है ये वाली एक अच्छी लगी मुझे फ्रेश में पड़ी हुई पैक ये पैक कर देंगे अच्छा ठीक है ये इनके जो है ना ये कप सेट जग भी है और ये सारी कबर्ड्स भी हैं ठीक है और वो देखिए आगे पेंट्स ये मिरर्स और ये सारी चीज़ें ये जो कंपनी है हमारी यूएई बेस्ड कंपनी है वो 40% डिस्काउंट है ये अभी जो है इनके कैनन वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ये अपने उन्हीं के पेपर यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के प्रिंट्स यूज़ कर रहे हैं इसका यूनिकनेस ये है कि इसकी जो ग्लो है ना और कलर की विविडनेस है ये नॉर्मल प्रिंटर नहीं ले सकता ये आप रात को जिस पर हल्की सी लाइट पड़ेगी तो ये ग्लो करता है फ्लोरोसेंट आर्टिकल है इसको डिफरेंट एंगल से भी देखें आप इसे ग्लो नजर आएगा वो मैं यही देख के रुकता था बिल्कुल कितने का है ये आफ्टर डिस्काउंट 1300 का ठीक है और ये काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं ठीक है वो ये सारी और लेकिन हमें ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी ये दो क्योंकि इनकी शाइन बहुत अच्छी है इसी तरह के मैं दिखाएं मुझे इसी और वो एक जो है ना मेरा ख्याल है डियर है और इसके साथ ये भी है ठीक है वो काफ़ी सारी हैं और देखें हर्ट्स बने हुए हैं वहाँ पर भी यही ज्वेलरी वगैरह वो कुछ लग रहा है मतलब ख्याल है रीश ना करो यार वो ऐसा लग रहा है कि कोई आंटियों का कोई है कोई लड़कियों का इसलिए वहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही है खैर यहाँ पर भी और भी आ गई हैं चादरें वगैरह और ये सबके नाम ऊपर लिखे हुए हैं भाई ज़्यादा के पी के ही और ये देखिए ये मेरे बाबा गए पछावरी चप्पलों की स्टोर है और हमारे बाबा मालूम सोचे वापसी यहाँ पर यही है ठीक है मेरा ख्याल है यहाँ एंड है आगे मेरा नहीं ख्याल कुछ और है यहाँ तो आगे पार्किंग भी ये नज़र आ रही है मुझे और क्या होती है ये और ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट मेरा ख्याल है बना रहे हैं अपने वो जैसे उन्होंने बनाया मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन ये यही कर रहे हैं अब देखते हैं बनाने देते हैं तो तंग नहीं करते वाह
कमर कितनी प्यारी है। और ये जो है ना कारपेट्स वगैरह, नहीं कारपेट नहीं, अल्लाह क्या हो गया मुझे, कपड़े। और ये हाला पोट्री सेम है ना, ये सारे। ये मिरर वर्क सिंध, हाय। हाँ ये भी है, बहुत कुछ है भाया, बहुत कुछ है। हाँ बहुत कुछ है। और ये देखें क्या हुआ मेरे साथ में, जूती सारी ख़राब कर दी है इस फ्रॉक ने। और ये देखें, ये भी एक है ही कुछ, पता नहीं टेंट वेंट वही है ना, लेकिन बस ये अगर हमने अपने घर में लगा दी। लेकिन देखें ये भी लिखे हैं थोड़े छोटे ट्रक, ठीक है। और ये वो जो टेबल मैट रनर्स नहीं होते मेरा ख्याल है वो है। और ये क्या है, गांडरा स्टोर कार्विंग पंजाब, इस तरह का कुछ है। ये ट्रक आर्ट है, ये पंजाब की चीज़ें इधर हैं। खुस्सा मेकिंग वो है, ठीक है। और ये बम वो एक है बैम्बू वर्क, ठीक है। उससे आगे है टाई एंड डाई, मुझे टाई एंड डाई बड़ा अच्छा लगता है। हाँ अच्छा, अगर मुझसे कोई मेरा फेवरेट कलर पूछे ना भाई, कलर मेरा फेवरेट ब्लैक, मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर कपड़ों में। हाँ ठीक है, लेकिन इसको ब्लैक सूट ही करता, नहीं मुझे ब्लैक सूट नहीं करता, मेरे साथ एक ही मसला है। और वो देखें साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन वेट टायरेट कार्ड रीडिंग, ये क्या है, मामा से पूछते हैं। और ये खैर यहाँ पर और भी बड़ी चीज़ें हैं, वो क्या साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन वो टायरेट यार, ये वही है ना वो जो कार्ड वगैरह डिस्प्ले करके बताते हैं कि आपकी किस्मत का हाल क्या और किस तरह करें करें, ये बकवास होता है सारा। क्या अच्छा अगर करके देखते हैं सच्चे के लिए, फिर मिनी रीडिंग के 1000, डायमंड रीडिंग के 2000, फुल 40 मिनट रीडिंग के 3000। ये देखें ये यहाँ पर बन रही है मटके वाली चाय, ठीक है। और ये सारा खाने पीने का सामान है अब यहाँ पर, ठीक है। स्मोक कितने मजे की है। खैर अब चलते हैं, इससे पहले वाकई मम्मा घूम लेती, मैं बेचारी किधर मामा को घूमूँ अब। ओए मम्मा जी इधर, आपको खड़ा करके गई थी मैं, किधर उधर पहुंची हुई थी मम्मा, लग रहे थे मुझे, मेरी नानी भी बनाती होती थी ये घर। ये जो है ना ये हमने ली है, ठीक है, 8500 इसमें लिया। जब ये लगेगी ना हम घर में लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो ये रैप हो गई इसलिए अभी आप लोगों को सही तरह नजर नहीं आ रही होगी। मैं जो हूँ ना ये वाली कोन ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, जब भी मैं इसको कहीं बाहर देखती हूँ तो मैं ये वाली कोन जरूर लेती हूँ। मम्मा बाबा ने ना ऑर्डर किया था साग, ठीक है। और यहाँ पर मम्मा ने बोला जाओ जाके बनाओ, जरा दिखाओ यहाँ पर क्या क्या है, हम देखेंगे तुम्हारे ब्लॉग में। मैंने कहा ठीक है। ये यहाँ पर है साग, ठीक है। ये रोटियाँ कहते हैं पराठे, पता नहीं, बट मकई की रोटियाँ, अच्छा मक्खन और लस्सी के साथ ये रोटियाँ बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये साइड पे जो है ना टिक्के वगैरह पड़े हुए, और अभी ये बन रही हैं रोटियाँ, ठीक है। मम्मा और बाबा ने खाना था, हम लोग चख लेंगे वरना हम लोग नहीं खाएंगे। अभी ये रोटी जो है ना सेक रही है, ये यहाँ पर बना के रखी हुई है। और ये सुरीश ने एंट्री मार दी, अब हम लोग चलते हैं इनको बना लेते हैं, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जी ये मकई की रोटियों के साथ साथ है साग, इसके ऊपर मक्खन है, ठीक है। और ये अभी मज़ेदार सा, ठीक है, गरम गरम आया। मैंने तो आइसक्रीम खा लिया, मैं नहीं खाऊंगी, माम बाबा ही खाएंगे। नहीं यार आप खाएं वरना आइसक्रीम का टेस्ट चला जाएगा। परफेक्ट रोटियाँ, गोल जा रहा
मकई की रोटी बहुत मुश्किल से गोल बनती है। अब हम लोग लेने आए हैं गन्ने के शरबत, ठीक है। ये हीट बड़ी फेंक रहा है, तो अभी जो है ना जूस उधर से निकल रहा है। हाँ हाँ ये आया ना जूस, में उल्टी जगह खड़ी हुई थी, फिर मैंने यहाँ से तो डाले और जूस यहाँ से बाहर निकल रहा है। मशीन बंद हो गई, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक मेरा ख्याल है। हाँ और ये अभी ये डालेंगे, हाँ हाँ स्टाइल चेक करो। और ये जूस बन गया, चले ये देखें बोंगी उल्टे काम। ये बाबा कह रहे हैं इसमें काफ़ी सारी वो आई हुई हैं, ठीक है। और ये अंदर भी पेंटिंग्स हैं काफ़ी सारी, और ये भी है छोटे छोटे बच्चों की जो है ना फ्रॉक्स कपड़े, यहाँ पर बड़े बड़ों को भी है, बड़ों की भी है। और ये वही हम वापस उसी एरिया में आ गए हैं, अब मेरा ख्याल है हम लोग वापस जा रहे हैं। हमें पता है तो इधर को आ जाओ आप, वरना कैमरे फिट नहीं आती। क्या मजेदार मौसम।